वेलकम बैक। खबर आपको दें, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अनवारुल हक के एजाज में अलविदाई तकरीब। शुरका ने जस्टिस अनवारुल हक को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर उनका कहना था कि अदालती अफसरान की मेहनत और लगन काबिले तहसीन है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक के एजाज में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया और ये तकरीब भावलपुर बेंच के अदालती अफसरान की जानिब से मुनक्किद की गई थी, जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अनवारुल हक, जस्टिस आतिर महमूद, जस्टिस असद जावेद गुराल और जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल के अलावा जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने भी शिरकत की, जबकि अदालती अफसरान में एडिशनल रजिस्ट्रार शेख मोहम्मद खुर्शीद और उनके साथ साथ केयर टेकर और प्रोटोकॉल अफसर ने भी शिरकत की। इस मौके पर जो अदालती अफसरान थे उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया और उसके साथ साथ ये भी कहा कि आपने जो अहकाम जारी किए थे मनमान उसी तरह से ही अदालती अफसरान ने फ्राइज सर अंजाम दिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती अफसरान की मेहनत और लगन काबिल तहसीन है, अगर इसी तरह से ही काम जारी रखते रहे तो एक दिन जरूर तब्दीली आएगी और साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी में यकीनन इसमें मदद मिलेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती अफसरान इदारे के माथे का झूमर है और इस हवाले से उनके जो उनके इकदाम हैं वो ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद इशफाक।